अगर मैं आप लोग से बोलूं भाई लोग कि हमारे फ्री फायर में एक ऐसी भी आईडी है जो कि गाइस आईडी ऑफलाइन हुए हुए उसको हो चुका है 3 से 4 साल, लेकिन गाइस आज के समय पे उसका जो ड्रेस है वो चेंज होता रहता है, मतलब कि वो ड्रेस चेंज करता है। एंड गाइस उसकी अगर आप लोग उसको देखोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी भूतिया हरकतें हैं जिसको देखने के बाद सच में गाइस आप कहोगे कि भाई नहीं, मुझे विश्वास होता नहीं है। एंड गाइस सिर्फ मैं आप लोग को एक वैसी आईडी नहीं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, आज मैं आप लोग को 5 ऐसी चमत्कारी आईडी दिखाने वाला हूँ। मतलब कि भाई साहब आप कहोगे भाई कैसे कैसे हो सकता है, मतलब इम्पॉसिबल यार। तो भाई इस चीज़ को इम्पॉसिबल को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं कैसे, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है कर दो ना यार, क्या जाता है यार, बुरा लगता है यार, कर दो सब्सक्राइब, दबा दो उस बटन को, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करने वाले गाइस इनसे मिलो, ये है हमारी एक मतलब हमारी कन्या नहीं, यह डायरन प्रोस की कन्या है। एंड गाइस अगर आप लोग इसको गलती से भी इंस्पेक्ट कर लेते हो तो इसका नाम तो कुछ अलग ही प्रकार का है, तो उसको छोड़ो जाने दो, बट अगर आप लोग इसके बैज सेक्शन पे नज़र घुमाते हो या डालते हो जो भी करो, लेकिन गाइस यहाँ पे देखो इसने लगभग गाइस मैं सच बोल रहा हूँ मैंने सारे बैजेस के दाम जोड़े हैं, एंड उसके बाद देख सकते हो भाई नंबर वाइज इसने लिया है भाई, मतलब दो 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 इसे कौन लेता है भाई, मतलब भाई उस जितने सारे पैसे वेस्ट किया इसने। एंड गाइस अगर मैं आप लोग से बताऊँ ये सारे बैजेस का दाम कितना है तो आप एकदम ही शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि गाइस सच में इस बंदे ने एक फालतू आईडी में मतलब कि एक फालतू मतलब फालतू गेम नहीं है मतलब गेम के अंदर फालतू पैसे वेस्ट किए, ठीक है। आप लोग देख सकते हो भाई गेम नहीं खेल आता है भाई, इसने 750 गेम में 700 किल किया है, इससे बड़ा नूब कौन होगा भाई, मतलब सीरियसली ये कैसे भाई, मतलब एक बात बताओ। और गाइस इसने टोटल लगभग लगभग जहाँ तक मैंने जोड़ा है, ठीक है, इसने हर चीज़ के इवेंट वगैरह निकाला है, बहुत चीज़ें निकालता है, ठीक है। एंड गाइस सारे बैजेस का दाम जोड़ करके लगभग इसने 2 करोड़ से भी ज़्यादा अपने गेम के अंदर खर्च किया है। एंड जस्ट एक सेकेंड गाइस 3 सेकेंड के लिए इमेजिन करो कि आपके हाथों में 2 करोड़ रुपये, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा सब कमेंट में भर डालना। लेकिन गाइस अगर मैं आप लोग से बोलूं भाई लोग कि इसके बाद जो मैं आप लोग को आईडी दिखाने वाला हूं भाई साहब अनएक्सपेक्टेड गाइस, कभी आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गाइस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना मैं वही आईडी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो कि गाइस आज से 3-4 साल पहले ऑफलाइन हुआ था, एंड अभी के समय पे गाइस वो ऑनलाइन नहीं आता है बट फिर भी उसके कपड़े चेंज होते हैं। 4th नंबर पे गाइस आप लोग ये आईडी देख सकते हो, इसका नाम है ओपी करम, जो भी भैया ये करम ऐसा करम करते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो ये बंदा सीजन 1 का, ठीक है। इसका मार्क्स देखो, ये सीजन 2 का टी शर्ट पहना है, एंड गाइस उसके नीचे इसका पैंट देखो, पता नहीं कब का मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस इसके कपड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि गाइस आप लोग इसके बैजेस देखो सबसे पहले, मतलब बैजेस ही नहीं है ये भाई, कब का बंदा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, एंड ये ऑफलाइन कितने सालों से है। एंड गाइस देख सकते हो भाई मतलब कुछ भी गेम वगैरह नहीं खेल रहा है, आप लोगों के सामने है, आप ब्रॉन्ज में है। एंड अभी आप लोग बोलोगे कि अदर सर्वर का इसलिए नहीं दिख रहा, तो आप लोग उसको देख सकते हो, उसके गेम वगैरह सब दिख रहे हैं। एंड गाइस देख सकते हो भाई मुझे तो ये इसको देख के आईडी को देख करके मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि गाइस आप लोग सोचो यार भाई मतलब ये कपड़े कैसे चेंज कर सकता है। हाँ मतलब मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया है तो मैं दे देता हूँ ना यार, क्या मतलब क्या सोचते हो, मैं प्रूफ बिना बात करूंगा। आप लोग ये देख सकते हो भाई ये स्क्रीनशॉट लगभग आज से 2-3 महीने पहले का है जो मैंने लिया था, एंड यार मतलब मैं आगे देख रहा हूँ इसके कपड़े चेंज भाई, मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग बताओ कि आप लोग अभी के समय पे आपकी क्या हालत है इसको देखने के बाद भाई, मतलब 3-4 साल पहले बंदा ऑफलाइन है, ठीक है, एंड अभी के समय पे उसका कपड़ा चेंज हो रहा है, आई डोंट नो ये ग्लिच है या फिर क्या है, ये बंदा ऑनलाइन तो कभी नहीं आता है, आप लोग कभी भी इस आईडी को सर्च करके देख लेना वियतनाम सर्वर पे, ठीक है। 3rd नंबर पे जो आईडी आप लोग अभी जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा ना आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि गाइस अभी आप लोग इसका नाम देखो, नाम रहने दो यार, नाम रहने छोड़ दो, जाने दो गाइस, यहाँ पे इसका एक बार बैजेस देखो भाई, मतलब इसके भाई बैजेस तो देखने दे भाई, देखो गाइस इसके बैजेस देखो, सीरियसली गाइस इसने सीजन 1 में 146 बैजेस कंप्लीट किया है, कोई बात नहीं मतलब सह लेते अक्सर ये सब चीज़ें सहते आया है, बट इसके पास ये हाथी वाला बंडल कहाँ से आया, अभी आप में से बहुत लोग का ये क्वेश्चन होगा कि हाथी वाला बंडल तो बहुत पहले पम्पकिन वाले मतलब 1.5-2 साल पहले ये पम्पकिन वाले में आया था, तो इस बंदे के पास कैसे आया, बल्कि ये बंदा देख सकते हो 4 सीजन ही खेल के जाके
मतलब ये चल बसा है, मतलब ये गेम खेलना छोड़ दिया है, ठीक है। एंड गाइस इसके पास ये हाथी वाला बंडल कैसे आया, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग गाइस ये स्क्रीनशॉट देखो जो कि है भाई लोग आज से मतलब बहुत पुराना ही है, ठीक है। तो क्योंकि भाई लोग ये उस समय का स्क्रीनशॉट है जब सीजन 1-2 चला था, मतलब गाइस सोच सकते हो जब सीजन 2 या 3 में आई थिंक ये जो ये हाथी वाला बंडल है तभी आ गया था। एंड हम लोग को लगता था जब ये पम्पकिन आज से 1.5-2 साल पहले जब पम्पकिन वाला सीन चल रहा था, मतलब इवेंट वगैरह जो भी चल रहा था, तो उस समय जब हम लोग को मिला था फ्री में, तो मुझे लगा था कि सबसे पहले हम लोग को मिला, मतलब फर्स्ट टाइम आया फर्स्ट टाइम हम लोग को मिल गया फ्री में। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, सबसे पहले आज ये जब फ्री फायर आया था शायद तभी कुछ दिन बाद ये लॉन्च हो गया था, ठीक है। एंड किसको किसको ये बात पता था या नहीं पता था कमेंट्स में ज़रूर बोलना, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो आईडी आप लोग देखने वाले हो गाइस, सच बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसको एक्सपेक्ट करोगे तो आप लोग मतलब सच में इस पे विश्वास ही नहीं करोगे भाई। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे आंखों का भ्रम है। आप लोग देखो ये कब का सीजन का बैजेस है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते आओ, आगे चलते आओ, आगे चलते आओ, फिर ये देखो ये अभी जल्दी का नहीं, 1 साल इसका भी 1 साल हो गया। उसके बाद ये देखो, ये तो जल्दी का है ना भाई, मतलब 3-4 जितना भी महीना हुआ मतलब जल्दी का है मान सकते हो भाई। ये भाई अभी कुछ महीने पहले ये बंदा गेम खेलने आया था, एंड उसके बाद भाई मतलब एक ऐसी आईडी जिसमें सीजन 1 है, 2 भी होगा, मतलब 2 भी होगा, आई डोंट नो गाइस, बट आप लोग सोचो भाई इतना रेयर इलाइट पास इसने, मतलब ऐसे इसको कोई मतलब ही नहीं। आई थिंक ना ये ऐसा बंदा होगा जिसको गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। एंड गाइस जब गेम आया होगा तब इसको ये इलाइट पास वगैरह परचेस कर लिया होगा, चलो भाई मेरे पास उस समय उसके पास पैसा वैसा होगा भर के, उसके बाद उसने इलाइट पास परचेस कर लिया और हमको पता ही नहीं था कि इलाइट पास होता क्या है। बट कोई बात नहीं गाइस, सह लेंगे थोड़ा सा, बट आप लोग मत सहो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता गाइस 2 मिलियन है जाना यार नवंबर में गाइस, यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो मैं बताऊंगा नहीं वरना सरप्राइज क्या रह जाएगा भाई। तो यार लाइक कर दो फटाक से, एंड फेस रिवील सून है भाई लोग, जैसे ही 2 मिलियन होगा मैं कर दूंगा, तो प्लीज मेरे भाई लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो आईडी है गाइस, ये थोड़ा सा भूतिया होने वाला है एंड थोड़ा सा नोबड़ा होने वाला है भाई। देखो यहाँ पे लोकेश गेमर एंड डायरन प्रोस को मत समझ लेना, वो उससे भी इसका भी बाप लगता है मुझे ये, क्योंकि गाइस आप लोग इसको देखो गाइस, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नूब लगेगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग देखो भाई लोग, उसके बाद इसके लेवल केडी देख लो वगैरह, अभी आप लोग देखो इसके बैजेस भाई, सीजन 1 में इसने टोटल 46 बैजेस किया है। एंड उसके पास यार मतलब सीजन 2 में भी कंप्लीट नहीं किया भाई, इसमें 5 बैजेस किया उसने भाई, मतलब भाई तू क्या कर, चुल्लू भर पानी खत्म हो गया, तू वैसे ही डुमर भाई। मतलब आप लोग सोचो इसने गेम भी नहीं खेला बिल्कुल भी, सोलो में खेला था, छोड़ो उसकी बात छोड़ो, आप लोग सोचो ये पूरे बैजेस में पूरा नूब है भाई, इसको पता ही नहीं था कि भाई मतलब पूरे 3 सीजन इसने 1500 डायमंड वेस्ट किए भाई, शायद पहले ज़्यादा लगता था, आई डोंट नो। बट गाइस इतने सारे डायमंड वेस्ट करने के बाद इसने बैजेस ही कंप्लीट नहीं किए, फिर गेम भी खेलना छोड़ दिया। इस चमत्कारी पुरुष को मैं और नहीं झेल सकता। तो गाइस देखो, आप लोग को कल का वीडियो देखना पड़ेगा, अभी जस्ट जाओ, मुझे नहीं पता, जाओ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्टोरी टाइम था। एंड आप में से कितने लोग मेरे भाई नहीं देखे यार। एंड गाइस देखो, उसके अंदर मैंने बोला था कि मेरा लाइक गेम पूरा होगा तो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। लाइक गेम क्या यार, उसका आधा भी नहीं पूरा, आधा पूरा हो गया, चलो ठीक है। बट गाइस जाओ फटाक से लाइक करना एंड कमेंट्स करना उसके अंदर, प्लीज गाइस उसको भी शेयर कर देना एंड इस वीडियो को भी शेयर कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।